प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ा फैसला लेते जा रहे हैं। अब तक जो भी नरेंद्र मोदी ने फैसले लिए हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं और पूरे देश की जनता की निगाहें उस पर रही हैं। नरेंद्र मोदी के हर फैसले ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नाराज़ करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया गया है। उनके अभी गत दिनों आए फैसले के चलते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई थी और उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी गई थी। अब फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने का बड़ा फैसला लिया है। इन तीनों की एसपीजी सुरक्षा को चरणों में हटाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा कवर देने का फैसला किया गया था। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय की सुरक्षा समीक्षा कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही एसपीजी सुरक्षा रहेगी। कमेटी की सिफारिश के अनुसार अब गांधी परिवार के सदस्यों को एसपीजी के बजाय सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गृह मंत्रालय की बैठक में गांधी परिवार की सुरक्षा की समीक्षा की और पाया गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, इस वजह से उनके सुरक्षा इंतजामों को बदलने का फैसला किया गया है। किसी भी व्यक्ति के सामने संभावित खतरों को देखते हुए यह सुरक्षा दी जाती है। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि फिलहाल गांधी परिवार को कोई खतरा नहीं है और ऐसे में जेड प्लस की सुरक्षा पर्याप्त होगी। मालूम हो कि गृह मंत्रालय समय समय पर सुरक्षा कवर को लेकर समीक्षा करता रहता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यह निर्णय राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता है उन्हें अब भी खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह उतने ही कम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी वह प्रियंका गांधी को अब भी एसपीजी सुरक्षा दिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन नरेंद्र मोदी दुर्भावना से प्रेरित होकर उनकी सुरक्षा हटा रहे हैं, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है।